Cross to listen to Akhilesh Yadav, who's addressing a press conference right now. Let's listen to him. मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो सरकार आएगी, समाजवादी सरकार से भी बेहतर काम करेंगे। हमारी सरकार से अच्छी सड़कें बनाएंगे, जनता और जो हर वर्ग के लोग हैं उनको ज्यादा सुविधाएं देने का काम भी सरकार आने वाली करेगी। मैं इस समय आपका भी धन्यवाद दूंगा कि चुनाव में आप और हम लोग जगह जगह मिलते रहे, आपकी वजह से हमारी बातें भी पहुंचती रही जनता को तक। मैं एक बार फिर जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो निर्णय लिया है, लोकतंत्र में यही निर्णय होता है, हम उस निर्णय को स्वीकार करते हैं। मैं समझता हूं अगर बहुजन समाज पार्टी की नेता ने ईवीएम पर कोई सवाल उठाया है, ईवीएम पर जो सवाल उठाया है, मैं भी जांच कर करके जानकारी करके क्या हो सकता है उस पर भी बात रखूंगा मैं। लेकिन अगर ईवीएम पर कोई सवाल उठाया है तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी भी, मान लीजिए मैं भी सोचूं इस बात को, क्योंकि बूथ की एनालिसिस करूंगा मैं भी, उसके बाद मैं कह पाऊंगा। लेकिन अगर सवाल उठाया है ईवीएम पर तो कहीं ना कहीं सरकार को जांच करा लेनी चाहिए। मुझे खुशी इस बात के साथ कि कांग्रेस के साथ गठबंधन रहा, दो युवा नेता साथ आए और गठबंधन आगे भी रहेगा। मैं समझता हूं जनता इससे भी अच्छा काम चाहती है। अगर हमने एक्सप्रेसवे बनाया है, उनको आज नहीं पसंद आया एक्सप्रेसवे, वो सोचते हैं एक्सप्रेसवे से बड़ी बुलेट ट्रेन यूपी में आएगी, शायद बुलेट ट्रेन के लिए वोट दिया हो। मेरा तो यही मानना था, इसीलिए मैंने 55 लाख समाजवादी पेंशन दी और आने वाले वक्त में 1000 रुपया महीना करने जा रहा था मैं। मैं समझता हूँ जो सरकार बनेगी अब उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा देगी, 2000 देगी। हमने तो किसानों का भी कर्ज माफ किया था, 1600 करोड़ कर्ज माफ किया था। और मैं समझता हूँ पहली कैबिनेट में ही उत्तर प्रदेश के सभी किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा, तो इससे ज्यादा खुश कौन होगा।